हरियाणा के गुरुग्राम में एक 17 साल के युवक को पीटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा लड़कों ने लाठी डंडों से युवक पर हमला किया। साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाशों ने बीच सड़क एक छात्र को बेरहमी से पीटकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। बदमाशों ने एक 17 वर्षीय छात्र जतिन को लाठी डंडों से पीटा, जिसमें छात्र बुरी तरह से जख्मी हो गया। छात्र अपने किसी दोस्त के घर किताब लेने जा रहा था, उसी दौरान लाठी डंडे लैस करीब 10 लोगों ने जतिन पर हमला बोल दिया, जिसमें जतिन बुरी तरह घायल हो गया। आनंद फानंद में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपका नाम? परविंदर जी। आज क्या वारदात हुई आपके बच्चे के साथ? बच्चा ये अपने दोस्त के साथ जा रहा था, ये कॉपी लेने के कोई होमवर्क करना था इसको स्कूल का, तो वहाँ से ये फिर लेके वापस आ रहा था, मतलब वहीं जा ही रहा था या रास्ते में था, ऐसा मुझे पूरा बात का पता नहीं है, किससे बात नहीं हुई अभी। तो वहीं पे कुछ लोग खड़े थे, इसको मारने लग गए, 8-10 लड़के थे बाइक पे, तो इसको बहुत मारा उन्होंने डंडों से, और ये फिर भाग तो आया आगे एकदम, और अभी ये मतलब पूरा पता नहीं है कौन थे वो, अभी इस बात का पता नहीं है क्योंकि होश में नहीं है, अभी बताया नहीं इसने मुझे कुछ भी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। यह पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे की मदद से हमलावरों को खंगालने में जुट गई है। गुरुग्राम से योगेश कुमार की रिपोर्ट।